छोटी काशी मंडी में स्थित राष्ट्रीय धरोहर पंचव्रत मंदिर आसपास मंत्र शुद्धि होता जा रहा है, उसको लेकर शहर के बुद्धिजीवी लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल धार्मिक एवं सामाजिक संस्था बीर मंडल के बैनर तले उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर व एसपी मंडी गुरदेव चंद शर्मा से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने पंचव्रत महादेव मंदिर के आसपास दूषित हो रहे वातावरण को लेकर चिंता व्यक्त की, साथ ही जिला प्रशासन से इसमें सुधार करने की अपील की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल शहर के बुद्धिजीवी लोगों का आरोप है कि मंदिर के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग मंदिर के वातावरण को दूषित कर रहे हैं और मंदिर के आसपास गंदगी फैला रहे हैं। साथ ही इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों का आरोप है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग इस बस्ती को धार्मिक रूप देने का भी प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक चिंतनीय विषय है। इस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय धरोहर पंचव्रत राम मंदिर के पास से इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की मांग की है। आज वीर मंडल बंगला मोहल्ला के सभी स्थायी निवासी माननीय उपायुक्त महोदय से और एसपी साहब से मिले, जिसमें उन्होंने उनको जो पंचवक्तर मंदिर के पास जो झोपड़ी है, जो बसी हुए काफी दिनों से, काफी सालों से लोग यहां पे हैं, उनके कारण जो है लोगों को समस्याएं पेश आ रही हैं, क्योंकि अब वो हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब वो लोग शराब पी के महिलाओं के ऊपर फब्तियां कसते हैं और वहां पे उन लोगों ने परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके साथ साथ मंदिर के साथ साथ उन्होंने कब मजार का भी निर्माण कर दिया है, जो कि चिंता का विषय है ना सिर्फ हमारे लिए अपितु पूरे प्रशासन के लिए भी। आज उनकी मजार बनी, कल को वो वहां पे मस्जिद का निर्माण भी कर सकते हैं, वो रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं आज जितनी भी महिलाएं हमारे यहां साथ आई हुई हैं, ये मंदिर में आरती को जाती हैं, आते वक्त इनके ऊपर जो है वो फब्ते कसी जाती हैं, यहां से गुजरना इनके लिए मुश्किल हो गया है। बाहर से लोग जो यहां पे बस्ती में थे वो चले गए हैं, उन्होंने किराए के ऊपर आगे बस्तियां दे दी गई हैं। कौन लोग गए, कहां से लोग गए, कहां के वो आए हुए हैं और सबको परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, महिलाओं का बेटियों का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। ना जान पडल के लोग, बंगला मोहल्ला, भगवान मोहल्ला, आने जाने वाले सभी लोग इस बात से बहुत दुखी हैं। इसके संबंध में आज हम प्रशासन से मिले और हम उनसे निवेदन किया कि इनको यहां से उठाया जाए और यहां पे एक पार्क बनाया जाए और इन न जाने क्या कौन कौन से कार्य यहां पे, उसकी भी छानबीन की जाए। धार्मिक व सामाजिक संस्था बीर मंडल के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय आए प्रतिनिधि मंडल की बात को उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने ध्यान से सुना और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि शीघ्र समस्या का हल किया जाएगा। कुछ लोग आज मुझे मिले थे जो कि पंचवक्त्रा के पास जो है, जो कि झोपड़ियों में लोग रहते हैं, उनके द्वारा कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो इस बारे में मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि वहां पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और साथ में हमारा ये भी प्रयास है कि जो लोग वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, एक तो बरसात के सीजन में हमारे लिए भी वो हमेशा एक खतरा रहता है, क्योंकि जल स्तर पंडोर डैम से जब पानी रिलीज होता है तो अचानक बढ़ सकता है। तो इस दृष्टि से हमारा फ्यूचर का इस तरह का प्लान है, जो कि एमसी के साथ भी टेकअप किया गया है, कि उन लोगों को वहां से धीरे धीरे शिफ्ट किया जाए और कोशिश हमारी यही है कि रेंट या इस तरह के अकोमोडेशन में इनको मोटिवेट करें कि वहां पर वो शिफ्ट हो जाए। इस अवसर पर बीर मंडल के महासचिव कृष्ण कुमार व उप प्रधान कृति वैद्य सहित शहर के कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे।